घुसेला होना मतलब क्या है और इससे कैसे निपटा जाए? थैंक यू भावना। और अगर हम जैसे अभी हम सुन भी रहे थे गुस्से की बात करें, तो ये सच है कि गुस्सा सबको आता है और जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं गुस्सा उनमें से एक है। अब अगर इसके स्तर की बात करें कि वो ज़्यादा है या कम है, ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, तो उस केस में जो अनप्लेजेंट या नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये नेगेटिव फीलिंग्स क्या क्या हो सकती हैं तनाव के दौरान, जिसमें फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, एंगर है, तो ये चीज़ें हमारी बढ़ती हैं। और जनरली आमतौर पर जब भी तनाव आता है तो ये हमारे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जिसका मतलब है कि हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में जाते हैं। तो जब हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में जाते हैं तो देखेंगे दो पहलू हैं। फ्लाइट, या तो हम उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और फाइट मतलब हम उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। और जो ये लड़ने वाला कॉम्पोनेंट है, इसको हम एग्रेशन या गुस्से से मैच करते हैं। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा इस तरह का एक रिस्पॉन्स है जो जनरली तब होता है जब तनाव हमारे में बढ़ा हुआ होता है। और ये जाहिर सी बात है कि आजकल तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो इस वजह से कि पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिनसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता रहा लेकिन स्ट्रेस रिड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो गई है, चाहे इसलिए कि हमारे समाज में एक तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है, जो जेंडर में डिविजन रहा है, उसके चलते महिलाओं पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। और साथ साथ इम्पॉर्टेंट किया कि हमारी जो तनाव सहने की क्षमता है वो घटती जा रही है, और ये क्षमता सब में घटती चली जा रही है, बच्चों में घटती जा रही है, एडल्ट्स में घटती जा रही है, और इवन जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में घटती जा रही है। तो जो पहले जब भी हम तनाव में होते हैं तो हम जो रास्ता अपनाते हैं कि हम या तो इस सिचुएशन से भागेंगे या लड़ेंगे, तो एक समय तक बच्चों का और महिलाओं का जो रिएक्शन रहा है, जो सोशियो कल्चरली अप्रोप्रिएट माना जाता रहा है, वो अवॉइडेंस का रहा है कि आप उससे हट जाइए, आप उस सिचुएशन से दूर हो जाइए, या आप अपने जो भावनाएं हैं उनको दबा दीजिए। लेकिन आज की डेट में जब महिलाएं बाहर आ रही हैं, काम कर रही हैं, उन्हें अपने आप को असर्टिव रखना जरूरी हो रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी हो रहा है, बिकॉज अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इस तरह के वर्ल्ड में, तो वो रिएक्ट कर रही हैं। और ये रिएक्शन जब एक जरूरत से ज्यादा हो जाता है या फ्रस्ट्रेशन आपकी बहुत बढ़ जाती है, तो वो फिर एग्रेशन या गुस्से का रूप ले लेता है। तो मेरा मानना है कि यही चेंजेस हैं जो ओवरऑल हमारे समाज में जो बदलाव आ रहा है, और अब वो दिखाई दे रहा है। जहां पे पहले वो समेट लिया जाता था, साइड पे कर दिया जाता था, रिएक्ट नहीं किया जाता था, अब आप रिएक्शंस देख रहे हैं।